जो आला हो और उसका कोई दोस्त हो जाए उसके बारे में क्या कहना, ये तो आला नहीं बल्कि आलाओं से आला ये रब्बुल आलमीन है, जिसका वो अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता है कि उसे दोस्ती से शर्फ से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला का बंदा दुनिया के अंदर जब नज़र उठाएं तो देखे हर कोई एक दूसरे से खौफ खाता हुआ नज़र आता है। गरीब जो है अमीर से डरा करता है, एक ताकतवर से कमज़ोर डरा करता है, हर कोई एक दूसरे से डरा करता है। लेकिन अल्लाह के तबारक व ताला ने एक जमात को पैदा फरमाया, जिस जमात को अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़्न व मलाल खौफ व गम से दूर रखा है। तो चूंकि आप कहेंगे कि क्या उसके अंदर खौफ नहीं है, तो यकीनन खौफ तो है, लेकिन खौफ खुदा है जो अल्लाह से डरता है, जो एक से डरता है, किसी और से नहीं डरता है, जो एक से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। इसीलिए देखिए अल्लाह वाले जो है अपने दिलों में खौफ तो रखते हैं, लेकिन खुदा का खौफ रखते हैं, एक वाहिद ला शरीक का खौफ रखते हैं, जिसकी वजह से किसी के सामने दुनियादार हो या कोई और भी हो किसी से डरते नहीं हैं। बल्कि मकाम व मर्तबा तो ये है, अल्लाह तबारक व ताला उस जमात के बारे में फरमाता है, अल्लाह तआला फरमाता है बंदा नवाफिल के जरिए मुझसे इतना कुर्ब हासिल कर लेता है, इतना करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। आप कहेंगे, आप लोग बताते हैं, उलमाए किराम बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, तो ये हदीस पाक जो पढ़ते हैं कि अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, तो फिर आंख और कान कहाँ से? कहा कि देखिए वो जिस्मो जिस्मानियत से जरूर पाक है, लेकिन जब देखते थे पहले जो देखते थे आप अपनी ताकत से देखते थे, लेकिन जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिए तो अब अल्लाह की अता करदा ताकत से वो तजल्लियात से देखे हैं कि आपकी ताकत ये बढ़ जाती है। यही तो वजह है आप देखते हैं औलियाए किराम अपने मुरीदों पर जो है कोसो मील ना जाने जो मशरिक में जो है बहुत सारे बुजुर्गान दीन के बारे में आया है, औसी आजम के बारे में आया है, उन्होंने फरमाया मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहता है, अगर वो पुकारता है मैं मगरिब में रहता हूँ तो उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ, ये इतनी दूरी से सुनते कैसे है, मदद के लिए पहुंचते कैसे है, तो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिए। अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करेंगे? अल्लाह की बारगाह, अल्लाह वाले की बारगाह में आने का मकसद क्या है कि वो अल्लाह वाले अल्लाह का कुर्ब हासिल किए हैं, अल्लाह उससे राज़ी है, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसे वो मकबूलियत वो शर्फ हासिल है कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठा दे तो अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। तो आपको तो ये भी गौर करना होगा जहाँ पे ये करामतें देखते हैं कि वो अल्लाह वाले ये हैं कि अगर मिट्टी को उठा कर दे दे तो सोना बन जाए, तो आपको देखना तो होगा वो आखिर वो कमाल कहाँ से, वो जो है वो कमाल कहां से आई, तो आप गौर करेंगे वो इस वजह से है कि उसने अल्लाह की यादों में सब कुछ को फना कर दिया, ऐसो आराम को फना कर दिया, अपनी दुनिया को दुनिया से दुनिया में रहकर दुनिया से दूर रहकर दुनिया से में रहकर दुनिया से दूरी इख्तियार किया है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल किया है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, बंदा जो कहता है अल्लाह उसे पूरी फरमा देता है। तो इसीलिए जरूरत है इस बात की, आप औलियाए किराम की बारगाह में अल्लाह वालों की बारगाह में आए हैं, तो आप आए हैं तो कस्बे फैज की खातिर आप आए हैं, इसलिए आए हैं कि अगर अल्लाह वालों की बारगाह में अगर रहमत की जो बारिशें होगी तो चंद चींटे हम पर भी पड़ जाए, इस मकसद से आए हैं तो कामयाब है। इसीलिए अल्लाह वालों की बारगाह में लोग बहुत सारे जो है सवाल करने भी जाते
हैं, बहुत सारे लोग जो है जवाब तलब करने भी जाते हैं, कुछ लोग आजमाने भी जाते हैं कि देखते हैं इसमें शक्ति है कि नहीं, इसमें पावर है कि नहीं। लेकिन ये जान लो, ये जो है अल्लाह वालों के बारगाह में जाने का यह तरीका सही नहीं है, बल्कि आप ये खुलूस से जाए कि ये अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये सिफारिश कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं सुनता है, अल्लाह तो घर से भी सुनता है, आप जो दिल में सोचते हैं वो भी सुनता है, सब सुनता है। लेकिन यह किसी को वसीला बनाते हैं, सिफारिश जब देखते हैं, दुनिया का ये मामूल है जब कोई काम आपसे फंस जाए लेकिन कोई सिफारिश हो जाए जो उसके पहचान का हो, जो उस मकाम के पहुंचा हो, तो अगर वो कह दे कि इसका काम कर दीजिए, काम बन जाता है। तो यही वजह है, यह आखिरत का भी मामला है कि वो अल्लाह वाले के अल्लाह वाले दुआ फरमा दे, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा मानने वाला है, जब उसके सोहबत में जाएंगे उनके तरीके को अपनाना शुरू कर देंगे, कामयाब होते हुए नजर आएंगे। पड़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक व सल्लम सल्लू अलैहि सलातो व सलामन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैक व सल्लम। हजरात, आज हम उर्स तो बहुत मनाते हैं, लेकिन उर्स मनाते तो हैं लेकिन देखते क्या है कि हम उर्स की जो है सिर्फ ये कहते हैं आज उर्स है, आज कहते हैं कि हम लोग उर्स मना रहे हैं, ये इतने लोग आए हैं, लेकिन अमल से बहुत दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उलमाए कराम बार बार कहते हैं फातिहा पढ़ने का तरीका यह है, मज़ार से इतने कदम दूर पर होकर जो है फातिहा पढ़े, औरत मज़ार पढ़ना जाए, लेकिन होता क्या है, मर्द दरवा घर पर सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, औरतों को भेजते हैं फातिहा करा रही, ये कहाँ की कहाँ की जो है ये समझदारी है, ये तो नादानी है। इसीलिए जो है आका अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस सुन एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैक व सल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरुहा, मैंने तुम्हें कब्र की ज़ियारत से मना फरमाया था लेकिन फ़ज़ूरुहा, लेकिन ज़ियारत करो। बात समझ में आ गई, आका अलैहिस्सलाम इब्तिदाए सलाम में मना तो फरमाया लेकिन उसके बाद जो है हुक्म दिया कि कब्र की ज़ियारत करो, जस और कब्र की ज़ियारत करो, उसके आखिर की याद आती है। और कब्र जो बाज़ कब्र ऐसे हैं जिसके पास जाते हैं तो आपका बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आता है, आप उनके वसीले से दुआ करते हैं, वो आप जो है आप वो बुजुर्गों को वसीला बनाते हैं और कहते हैं कि आप दुआ फरमा दें, अल्लाह के वली दुआ कर देते हैं, काम बनता हुआ नजर आता है। लेकिन औलियाए कराम के जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल किए हैं तो आपको जो है उसी तरह उसी पर उनके नक्शे कदम को अपनाना होगा, उनकी बातों पर अमल करना होगा, तब कामयाबी मिलेगी। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले जो है कभी नमाज को तर्क नहीं करते हैं, अल्लाह वाले हैं कभी मन जो है बुरी जगह पे नहीं जाते हैं, बुरी बातों को नहीं सुनते हैं, लेकिन आज हम उससे दूर हैं, कहते हैं कि उर्स मनाते हैं, लेकिन उर्स मनाने का मकसद क्या है, अल्लाह वालों के बारे में बताने का, अल्लाह वाले के याद मनाते हैं। इस वजह से उलमाए कराम बयान करते हैं वो उनको जो कमाल मिला, उनको उन फला बुजुर्गों को जो कमाल मिला इस वजह से कि वालिदा की खिदमत की, इस वजह से कि अल्लाह दुनिया को तर्क किया, इस वजह से कि रात में शब्बेदारी की, दिन में रोजा रखा, हर बुरी बातों से बचा है और नेकियों की तरफ हर नेकी की छोटी से छोटी नेकी को अपनाया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा अता किया। तो अब तो चाहिए कि जब हमारे असलाफ हमारे औलियाए किराम इन चीजों से बचे हैं, इन चीजों को किए हैं, इन चीजों से रुके हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा अता किया है, तो हम सबको भी जरूरी है उस जो है उनके तरीके को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। लेकिन होता क्या है, अकाल सलाम ने फरमाया कि कब्र की ज़ियारत करो कि उससे जो है आखिरत की याद आती है, बुरी बातों से रुकते हैं, गुनाह से बचते हैं। लेकिन होता क्या है कि आज तो हम ऐसे हो गए हैं, हमारे हम गुनाह करते करते हमारा दिल इतना स्याह हो गया है कि कब्रिस्तान में भी कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, कि कब्रिस्तान में भी कुछ जो है बातें करते नजर आ रहे हैं।
रहे हैं। कब्रिस्तान के बगल में भी हमारे कौम के अफराद जो है ताश खेलते हुए नजर आते हैं। कहां कहीं गैरत? अब बताइए, वो आखरत की घर है, वो आखरत का पहला जीना है, आखरत की पहली कोठरी है, आखरत की पहली मंजिल है। उसके देखने से हम गुनाहों से बचते हुए नजर आना चाहिए, लेकिन वहां पर जाकर भी गुनाह करते हैं। हमें हमारी गैरत कहां गई? हमें तो सोचना चाहिए हम भी इस कब्र में आएंगे, हम भी हमारे साथ, न कोई हमारा बेटा आएगा, न कोई दोस्त आएगा, न कोई न हमारे बाप आएंगे। जिसमें सोना है हमें अकेला ही सोना है। जैसा हमारा आमाल रहेगा उसी तरह जो हमारे साथ बर्ताव किया जाएगा। उसके बावजूद भी हम कब्रिस्तान के बगल में गाली देते हुए नजर आते हैं, कब्रिस्तान के बगल में भाई की चुगली करते हुए नजर आते हैं, कब्रिस्तान के बगल में एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं। अब बताइए, ये कब्र देखकर हमें तो सोचना चाहिए, हमें याद करना चाहिए कि आज जिस तरह ये कब्र में लेटे हैं, कल हमें भी लेटना होगा। ये आज जो है हमें भी लेटना होगा, और हमारे आमाल जैसे होंगे वैसे ही इसका मेंबर के साथ मामला बढ़ता जाएगा। इसीलिए जरूरत इस बात की कि जब कब्रिस्तान में जाए तो आप गौर करें, और यहीं तक नहीं बल्कि आपके जाने से मुर्दों का भी भला होता है। अकाका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, जब कब्रिस्तान जाओ तो दुरूद पाक पढ़ लिया करो, जब कब्रिस्तान जाओ। आका की प्यारी हदीस है, आका फरमाते हैं क्या वो लोग आखिर दुरूद पर जो पढ़े और 11 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके उस कब्रिस्तान वाले के लिए साले सवाब कर दे, तो जितने उस कब्रिस्तान में मुर्दे लेटे हुए हैं हर मुर्दे के तादाद के बराबर नेकियां लिखी जाएगी। अब बताइए, आप जो है मगफरत के लिए दुआ उस मरहूमीन के लिए कर रहे हैं, उससे तो फायदा पहुंचा ही, लेकिन आपका भी फायदा हुआ कि आपके नेकियों में इजाफा, फायदा यह हुआ उसके वजह से आपके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया गया। उसके फायदा यह हुआ कि आप कब्रिस्तान जाने के बाद जब आखिरत की याद करते हैं तो गुनाहों से दूर होते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से आप जो है गुनाहों से दूर होते हुए नजर आते हैं, नेकियों की तरफ आपकी रगबत बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप कब्रिस्तान में जाए या मजार पर जाए तो बाअदब होकर जाए, और जो है और बाअदब जो कहा गया मकूला है बाअदब बानसी बेअदब बेनसी। इसलिए जब कभी किसी भी बारगाह में जाए तो बाअदब होकर जाए। बाअदब होने से फ़ायदा क्या होता है? एक गौसे आज़म रसूलुल्लाह तआला अन्हु के तालिबे इल्मी का एक वाकया समाप्त कीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँता हूँ। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म रसूलुल्लाह तआला अन्हु के तालिबे इल्मी ज़माना है, तो जानते उनके साथी में इबन सका है और अब्दुल्ला इबन असुन तमीमी है। इबन सका चूँकि बड़ा ज़हीन व फ़तीन था, हर स्कूल हर मदरसे का तालिबे इल्मों का एक मिजाज होता है कि अगर कुछ जानता है थोड़ा लाइन पकड़ लिया और थोड़ी बातें समझने लगा तो सोचता है कि कभी कभी उसके जहन में शैतान ये वसवसा डालता है कि सवाल करते हैं ये जवाब दे पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सवाल ऐसा खोज खोज के करते हैं कि जवाब ना दे सकेंगे। उसी तरह इबन सका था, बड़ा ज़हीन व फ़तीन तो था लेकिन सोचने लगा। एक गौस उस ज़माने के गौस जो है मकाम व मरतबा है, ये विलायत के एक मकाम है, तो उस ज़माने के जो गौस आज़म के नाम से जाने जाते थे, तो अब्दुल इबन सका ने कहा कि उनका बड़ा चर्चा है और बात यह है कि महफिल में बैठे होते हैं अचानक गायब हो जाते हैं और फिर जो है अपने लोगों से वाज़ व नसीहत करने लगते हैं। सुनकर जो है इबन सका सोचा कि चलो मैं सवाल करता हूँ जवाब क्या देते हैं, और जवाब दे ऐसा सवाल करूँगा कि वो जवाब ही नहीं दे सकेंगे, ये सोच रहे हैं। और अब्दुल्ला इबन असुन तमीमी ने भी कहा कि चलो मैं भी सवाल करता हूँ, देखते हैं जवाब क्या देते हैं। और उस दोनों ने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें भी तो चलना है, लेकिन बताओ तुम कौन सा सवाल करोगे, लेकिन देखिए बाअदब है वो मकाम क्या मिल रहा है। उन्होंने कहा मैं सवाल करने के लिए नहीं, मैं जवाब के लिए नहीं, मैं तो कस्बे फैज के लिए उनके बारगाह में जाना चाहता हूँ। और जब तीनों चले हैं और जो है जाने के बाद देखते क्या है कि लोगों के दरमियान वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही करीब हुए हैं गौस जो उस ज़माने के थे वो अचानक गायब हो गए। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर जला जो है जब महफिल में आए तो जलाल भरी
नजर जो है नजर चेहरे पर आए और आने के साथ कहते हैं ऐ इब्ने सका, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तेरे अंदर कुफ्र की आग भर रही है। तू सवाल लेकर आया है, तू ये सोच दिल में ख्याल लेकर आया है कि आज मैं ऐसा सवाल करूंगा वो जवाब ना दे सकेंगे। ऐ इब्ने सका, तेरा सवाल ये है और तेरा जवाब ये है। इतना सुनने के बाद दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने सुलूम की तरफ जो है आप नजर उठाते हैं, लेकिन कुछ जलाल में कमी आती है और आने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे तूने भी जुरात की है लेकिन कुछ कम। ऐ अब्दुल्लाह इब्ने सुलूम तमीमी, तुम जा याद को कान खोल कर सुन लो कि तुम दुनिया के अंदर जो है लोग तुम पर जो है इतने गोबर फेंकेंगे, तुम जो है कान के लव तक जो है तुम्हारे गोबर तक पहुंचाओगे। और यही हुआ जब गौस आजम की तरफ जो है आप जो है गौस आजम जो है शेख अब्दुल कादिर की तरफ नजर करते हैं एक नूरानी चेहरे के साथ और कहते हैं ए बेटा, तूने अदब के जरिए मेरा दिल खुश कर दिया, तूने अल्लाह को राजी कर लिया। ए बेटा, वो दिन आएगा जो बगदाद की सर बगदाद के मिंबर से तुम ये आदा ये सदा दोगे, ये आवाज दोगे, ये पुकार कर कहोगे कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। अल्लाहू अकबर, ये वो दिन आया है जो गौसे आजम रसी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरा कदम जो है तमाम वलियों के गर्दन पर है। अल्लाहू अकबर, मकाम मर्तबा कैसे, ये अदब के जरिए है। वो दोनों भी पढ़ने में तेजो तर्रार थे, चालाक थे, लेकिन उसने अपने ज़हन पर ही भरोसा किया, कहा कि जो कुछ है सिर्फ ज़हन से है, जो किताब पढ़ो जो समझो वही कामयाबी है। लेकिन उसे क्या मालूम अदब कितनी बड़ी चीज है, अखलाक कितनी बड़ी चीज है, उसे क्या मालूम है। उसने अखलाक को गौसे आजम को कहा ए बेटा, तूने अखलाक के जरिए मेरे दिल को खुश किया, तूने अल्लाह के दिल को खुश किया। ए बेटा, एक मकाम वक्त आएगा, और वह वो वक्त भी आए तो मैं कहने का मकसद ये है कि जब औलिया कराम की बारगाह में जाएं तो बाअदब होकर जाएं, औलिया कराम के आस्ताने पर रहें तो अपने बुरी बातों से और बुरी जो है चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और मैं बताऊं कि खास तौर पर जो है कोशिश ये करें कि जब जाएं तो बाअदब होकर जाए और जांचने उचने के लिए नहीं जाए, नहीं तो बनने वाला भी काम बिगड़ जाएगा। और कोशिश ये करें कि मैं बारहा ये कहता हूँ, शादी के मौके से भी तकरीब में करता हूँ तो कहता हूँ कि और फातिहा के लिए जो है आप जो इंतज़ाम करते हैं या पहुँचा जो फातिहा का जो आपके यहाँ रिवाज है जो बुज़ुर्गों के आस्ताने पर है, ये रिवाज सही नहीं है। आप फातिहा ही कराना है तो आप किसी बच्चे के जरिए फातिहा करवा सकते हैं, फातिहा ही करवाना है कोई मर्द जाकर फातिहा कराए। लेकिन क्या होता है, वो तो घर पे होते हैं और डीजों के साथ औरतों को भेज देते हैं। ये जरा सोचिए, आज जानते हैं उर्स के मौके से हो चाहे किसी मौके से हो, अगर औरतें इस वजह से इस इरादे से कदम निकालती है कि आज जाते हैं फला वली की बारगाह में जाते हैं, आज जाते हैं तो हर हर कदम पर जो है उस पर अल्लाह की लानतें होती है, उस फरिश्तों की लानतें होती है, मोमिनों की लानत होती है। अब औरतों को भी कान खोलकर सुनना है कि अब ये हदीस पाक है, मैं अपनी बातों से अपने बयान कर रहा हूं बल्कि हदीस पाक सुना रहा हूं, उस पर अल्लाह की लानतें होती है, जिससे अल्लाह लानत उसी पे फरमाता है जिससे नाराज होता है। तो अब ये हमारी माँ बहनों को खुद फैसला करना होगा और आप सब जिम्मेदारों को ये फैसला करना होगा, क्या आप अपनी औरतों पर अल्लाह की लानत चाहते हैं, क्या आप अपनी औरतों पर अल्लाह की नाराजगी चाहते हैं। अगर आपका दिल कहता है नहीं, जिस बीवी को हम मोहब्बत करते हैं उस पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत होना देखना नहीं चाहते हैं, तो अपने साथ जो है अपनी औरतों को मजार पर ना लाएं, अपने साथ अपने बच्चियों को ना लाएं, और बल्कि कहे ए बच्ची, तुम्हारी आवाज तो जो है तुम्हारी आवाज जो है ये जो है औरतें हैं या तुम्हारी आवाज बाहर जो कुरान की आवाज की जो बाहर जाने की ममानियत है कि इतने बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत ना करो जो बाहर जो है मर्दों की आवाज कान में आवाज पहुंचे। तो बताओ जब कुरान की आवाज जो बुलंद आवाज से नहीं पढ़ सकती है तो क्या मजार पे जा सकती है। इसीलिए जिस अगर आप अपनी औरतों से मोहब्बत करते हैं तो कहें कि सरकार का फरमान यह है, सरकार अलैहिस्सलाम की फरमान पर अमल करो, इसलिए कि सरकार मालिक जन्नत है, सरकार उसे भी मालिक जन्नत है, उसी ही मालिक
मालिक जो है वो अपने घर में बैठने की जगह उसी ही दिया करता है जिससे वो राजी हुआ करता है। अगर सरकार नाराज हो जाएंगे तो फिर जो है जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए आप कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करें और औलिया किराम के बता नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और कल कयामत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक समझने की तौफीक अता फरमा। आइए हम और आप एक मरतबा तौबा व इस्तगफार व कलमा तैयबा पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात